राज्य में पंचायत चुनाव शीघ्र कराने, जेपीएससी पीटी रद्द करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा राज्य के सभी प्रखंडों में धरना प्रदर्शन कर रही है। उक्त बातें चंदन क्यारी विधायक सह पूर्व मंत्री एवं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने चंदन क्यारी प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव टालकर सरकार गांव की जनता को संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रही है। सरकार की ऐसी मंशा भारत के संविधान के खिलाफ है। सरकार की मंशा पदाधिकारियों के माध्यम से सरकारी फंड का बंदरबांट करने की है, लेकिन भाजपा पार्टी सरकार को ऐसा नहीं करने देगी। इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए भाजपा तैयार है। आस है महामहिम राज्यपाल के नाम से प्रखंड कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपे। पूरे प्रमाण के साथ उनको बतलाया है कि भाई देखो किस तरह से यह गड़बड़ियां हुई है, और इसके प्रति सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, और जो भ्रष्टाचार का जो एक प्रकाट्य रूप जो सामने आया है उस और उनका ध्यान आकर्षित करते हुए इस परीक्षा को रद्द करने का डिमांड करते हुए, छात्रों का जो आपका जो डिमांड है उसको मांग करते हुए इसको करने का हम लोगों ने कहा है। साथ ही साथ अन्य और योजनाएं जो चल रही है, भ्रष्टाचार है, जो कुशासन है, और झारखंड के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की गिरती व्यवस्था है, चंदन क्यारी के संदर्भ में जैसा सूचना मिला है जिसमें हम लोगों ने डिमांड भी किया है, कार्रवाई करने के लिए भी कहा है कि भाई जो गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री जी का जो है उसमें 10 किलो जो चावल मिल रहा है, 5 किलो मुफ्त में और 5 किलो ऐसे पैसे के साथ, उसमें 5 किलो जो चावल है एक दो पंचायतों को छोड़ करके बाकी पंचायतों में वो पूरी तरह से वो लैप्स कर दिया गया है, उसको बेच दिया गया है दो महीने का ऐसी सूचना मिली है। हम लोगों ने आग्रह किया है उपभोक्ताओं से कि भाई आप लोग लिखित रूप में या फिर मौखिक रूप से भी आपको बताएं कि भाई इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई है, और हम लोग भी अपने स्तर से जाँच कर रहे हैं और ये ताकीद करना चाहते हैं यहाँ के चंदन क्यारी के जो अफसर हैं और जो भी इस सरकार के इस पूरी कार्रवाई में जो संलिप्त है, अगर यदि ये सिद्ध होता है, प्रमाणित हो जाता है कि भाई आपने चावल का हेरा फेरी किया है, लूट की है, तो इससे पदाधिकारी और इससे तमाम लोग दंडित होंगे, और इसकी गारंटी हम लोग देते हैं। इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़े हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अन्य जो भी योजनाएं हैं, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, बिजली के ट्रांसफार्मर जिस तरह से आज बदले नहीं जा रहे, पैसे उगाही की जा रहे हैं, आज चौधरी बांध में जिस तरह से ग्रामीण ये डिमांड कर रहे हैं कि रेलवे के अंदर उसको बाईपास से आने का रास्ता दिया जाए, लेकिन अभी तक रिपोर्ट जो है वो ग्रामीणों के इच्छा के अनुसार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। ये सारे विषय, चाहे पेंशन का बंद होने का मामला हो, और आज आम ग्रामीणों को सभी चीज़ों के लिए जिस तरह से आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और सरकार आपके द्वार के नाम पर जो एक महीने से जो पिकनिक मनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, पूरी तरह से यह प्रखंड कार्यालय जो पूरे 38 पंचायतों का मुख्यालय है, एक पंचायत में जाकर के आप सिर्फ खाना पूर्ति कर